ये फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, काफ़ी दिन बाद मैं TDI सिटी कुंडली पर वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह मैं आगे आपको बताता हूँ, और उससे पहले आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल। और सर्दी और जो पॉल्यूशन का समय था दिल्ली के अंदर, वो तकरीबन निकल चुका है और लोहड़ी के साथ सारी चीज़ें शुभ आरम्भ हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अब प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको TDI सिटी कुंडली के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ अब पीछे जो मैं बात आप लोगों से करता रहा हूँ, आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले, तब मैंने बोला था 20-22 हज़ार रुपये का रेट है। आप आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। आप स्पीड से TDI सिटी में इन्वेस्ट कीजिए, और हमारा रेट इस साल 30 हज़ार रुपये के करीब जाने का है। तो वो 30 हज़ार 32 हज़ार रुपये का रेट जाने का था। ये मैं बार बार आपको स्पीड से कह रहा था, क्योंकि बहुत डाउन प्राइसिंग में था, अंडर प्राइसिंग थी, अंडर वैल्यूएशन था। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो पीछे के ब्लॉक्स थे HIJK, यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था, इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। 20-22 हज़ार रुपये का रेट था। अप्रैल मई की मैं बात करूँ, अप्रैल मई 2023 में, तो बार बार बहुत बार मैं वीडियो बनाता रहा, साइट की वीडियो बनाता रहा, और अब उसके अंदर तकरीबन 10 हज़ार रुपये का इंक्रीज आ गया है। 32-33 34 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये तक का रेट आ गया है TDI सिटी कुंडली में, जो HIJK ब्लॉक हैं। लेकिन इसके साथ मैं जो भी अगर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि वन अलीपुर से जो UER2 है वो कनेक्ट होने वाला है, मार्च में शुरू होने की उम्मीद है, और रिठाला से मेट्रो कनेक्टिविटी TDI सिटी कुंडली तक जाएगी। बट ये दोनों चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसी के कारण रेट का एप्रिसिएशन हो रहा था। इसके साथ अब आपको मैं जो सूचित करना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी कुछ ये इन्फॉर्मेशन, ये बात कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई से मैं रूबरू कराने की कोशिश करता हूं मेरे इन्वेस्टर्स को। अगर आप कोई प्लॉट रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो आप TDI सिटी कुंडली में जो अब जनवरी का महीना आप ले सकते हैं, उसमें कहने का मतलब 32-34-35 हज़ार रुपये 36 हज़ार रुपये का रेट हो गया है। रहने के लिए आप लेना चाहते हैं अभी आप ले सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके आपको एकदम 10 हज़ार रुपये का इंक्रीज मिल जाएगा, मेरे दोस्तों कोई कुछ भी कहे, मेरी खुद की पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। 34-35-36 हज़ार रुपये का रेट हो गया है, काफ़ी ऊंचा रेट हो गया है। शॉर्ट टाइम में जो एप्रिसिएशन हुआ है, 3 गुना रेट हो गया है। 10 हज़ार का रेट था 2-2.5 साल पहले, आज 34-35 हज़ार रुपये का रेट हो गया है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करके पैसा वहाँ से कमाना चाहते हैं, तो यू वेट फॉर सम टाइम और यू वेट फॉर माई वीडियो व्हेन विल बी द अप्रोप्रिएट टाइम, आप कब इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में जो इंक्रीज़ हुआ है, इसको बाजार डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जो भी मार्केट है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टर्स काम कर रहा है, और जहाँ भी हमारा इन्वेस्टर्स चला जाता है तो डेवलपमेंट्स में थोड़ा टाइम लगता है, और इस टाइम के कारण जो एंड यूज़र है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, आप सोचते हैं छोटे टाइम में वहाँ से 10 लाख 5 लाख 15 लाख रुपये कमा के आना चाहते हैं, तो बी अवेयर, थोड़ा सा वेट करिए, वेट फॉर माय वीडियो। नो डाउट रेट्स विल अप्रिसिएट, 40-42 हज़ार रुपये का रेट हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, और इससे ऊपर बहुत एक ऊँचे का रेट हो जाता है, क्योंकि साथ में हम बात करेंगे जो पार्क हैं ABBP CP, साथ में चित्रकूट है, आनंदम है, तो यहाँ जो प्लॉट्स के रेट हैं वो 50-60 हज़ार रुपये के हैं, जहाँ आज आप लेके बना सकते हैं। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं, 4 मंजिल नक्शा आप बना सकते हैं, और उसकी लोकेशन इनसे बेटर है। तो जो यहाँ का रेट आज 32-34-35 हज़ार रुपये, ये काफ़ी बड़ा एक हैवी रेट हो गया है। 10 हज़ार रुपये इंक्रीज़ बाई एंड ऑफ दिस ईयर आपको उम्मीद कर सकते हैं, बट उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, 40-42-44 हज़ार रुपये का जो रेट हो जाएगा, तो आगे वाले जो सेक्टर्स हैं हमारे, जो लेक ग्रोव के साथ में है, और मार्केट को दोबारा घूम के फ्लैट्स पर आना पड़ेगा,
क्योंकि जो लेक ग्रोव के फ्लैट्स हैं वहाँ आपको 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स हैं वो 45 से 5,000 रुपये के बीच में पर स्क्वायर फीट मिल रहा है विथ ऑल फैसिलिटीज़ है और लेक एक बनी हुई है, साथ में रह सकते हैं, किराए पे मकान दे सकते हैं। और जैसे जैसे प्लॉट 250 गज है, 350 है, 500 है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वेस्टर 4 बार सोचेगा वहाँ काम करने के लिए। लोन आपको ज़रूर मिल रहा है बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस कि छोटे टाइम में जो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन कहीं भी किसी भी जगह पे आ जाता है तो फिर बाज़ार वहाँ रुक जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट अंदर अभी तक जो 10,000 में थी वही डेवलपमेंट्स आज 34-35,000 रुपये में है मेरे दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूँ, यू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो व्हेन विल बी द अप्रोप्रिएट टाइम टू इन्वेस्ट इन टीडीआई सिटी कुंडली। और मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और मेरी कोई किसी से नाराज़गी भी नहीं है, बट मेरे व्यक्तिगत विचार होते हुए जब 18-20-22,000 का रेट था मैंने बहुत स्पीड से आप लोगों को बोला आप आइए 30,000-32,000 का रेट हो जाएगा, आप हो गया है। अब 34-35-36 का भी रेट होने लग गया है तो यहाँ आपको मैं एक चेक डालना चाहता हूँ, आप सोच समझ के प्लॉट लीजिए। आप लेना चाहते हैं तो यू गो अहेड विद दिस, और आप सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने में 3 महीने में पैसे लगा के आपको बयाने पे बहुत कुछ मिल जाएगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेट टू इन्वेस्ट इन टू TDI सिटी, बट लॉन्ग टर्म में आप लेना चाहते हैं तो वहाँ 50,000 का रेट होगा, बट दैट विल टेक अनदर से लाइक 2-3 ईयर्स, 2 साल कम से कम आपको चाहिए 45-50,000 का रेट होने में, क्योंकि ऑलरेडी आगे जो डेवलप एरिया है TDI सिटी कुंडली का जो मैंने बताया है, चित्रकूट है और जो आनंदम वगैरह जो इनकी और प्लॉटिंग है, और इसके साथ में 2-3 और जो छोटे प्लॉटिंग है 150 गज है, 100 गज है, 125 गज है, वो आज आप बना सकते हैं, उसमें 50-60,000 रुपये का रेट है, 55-60,000 में मिल जाता है, तो वो इससे बेटर लोकेशन भी है, छोटे प्लॉट्स भी है, फुली डेवलप है और सिक्योर्ड है, 4 दीवारी में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ कि जो पीछे के ब्लॉक्स हैं वहाँ आज 34-35,000 का जो रेट आ गया है, थोड़ा सा आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन TDI सिटी कुंडली में चाहिए, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूज़ माय पेड कंसल्टेंसी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं कीप अपडेटिंग कि भाई आपको कब वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।